यस बेटे, तो लेट अस स्टार्ट विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द ग्रामर टॉपिक्स. ठीक है, रिवीजन ऑफ ऑल द ग्रामर टॉपिक्स वी आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम. तो सबसे पहले मैं संधि और समास को लेके उठाऊंगी बेटा. संधि मींस दो शब्दों को मिलाया, दो शब्दों को नहीं, पहले शब्द के आखिरी वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया तो संधि हो गई. जैसे हिम प्लस आलय, इस शब्द के आखिरी वर्ण को निकाला, इस शब्द के पहले वर्ण को निकाल दिया, इन दोनों को मिला लिया, दिस इज कॉल्ड संधि. ठीक है, तो संधि करते हैं हम. संधि हमने स्वर संधि शुरू करनी है. पहले हमने स्वर संधि शुरू की और स्वर हमारे पास होते हैं एक अ, एक ई, एक ऊ. पहली लाइन में ये तीन स्वर होते हैं हमारे, छोटा या बड़ा. ठीक है, फिर होता है ए और ओ. ठीक है, अंग और आहा अयोगवा होते हैं, हम उन्हें गिनते ही नहीं. यही पांच वाउल्स हैं आपके, ए ई आई ओ यू. ठीक है, तो पहली संधि है हमारी. संधि के नाम याद करें अगर हम तो दीर्घ, नंबर टू गुण, नंबर थ्री वृद्धि. हमें सिर्फ ये तीन संधियां करनी है. अगर नाम याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है. दीर्घ मीन्स बड़ा. ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, क्या होना है दीर्घ में, ये ही तीनों अक्षर मिलने हैं, वन टू थ्री. अ में अ मिलेगा, ई में ई मिलेगी, ऊ में ऊ मिलेगा. ठीक है, अब छोटा या बड़ा, अ में अ मिलेगा तो आ की मात्रा, मतलब छोटी अ हो बड़ा अ हो दोनों मिलेंगे तो आ की मात्रा बनेगी. ई है अगर छोटी हो या बड़ी हो, जब ई में ई मिलेगी तो बड़ी ई की मात्रा बनेगी, जब ऊ में ऊ मिलेगा तो बड़े ऊ की मात्रा बनेगी. ये तीन इसके रूल्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, एक तो यही ले लिया मैंने, हिम और आलय, अ और आ, छोटा बड़ा कोई भी मिले आ की मात्रा बननी है, हिमालय बराबर. इसका आंसर हुआ हिमालय. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूं ई का, नारी प्लस ईश्वर. दोनों तरफ ई, इधर भी ई, इधर भी ई, नारीश्वर. ठीक है, बड़ी ई की मात्रा बन गई. ऐसे ही ऊ, जैसे सिंधु प्लस उर्मी, ये भी ऊ, ये भी ऊ, दोनों मिलके बड़ा बड़ा ऊ बन गया, बन गया सिंधुर्मी. हमने ये किया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेकिन आज रिवीजन हो गई. दीर्घ संधि में अ के साथ अ मिलेगा, आ की मात्रा बनाएगा, ई के साथ ई मिलेगा, बड़ी ई की मात्रा बनाएगा, ऊ के साथ ऊ मिलेगा, बड़े ऊ की मात्रा बनाएगा. ओके जी, दिस इज डन. नेक्स्ट है बच्चे गुण संधि, यानी मतलब क्या है, नया गुण पैदा हो जाएगा, है ना, वी विल प्रोड्यूस समथिंग न्यू. क्या होगा अब यहां, यही हमारा काम आएगा. पहले अक्षर में अ होना चाहिए गुण में, पहला अक्षर होगा ओ, अ होगा, दूसरा कोई अलग होगा. ठीक है, अब अ के साथ उ ई मिले, अ के साथ उ मिले. फॉर एग्जाम्पल महा प्लस ईश, अ के साथ ई, देन इट विल प्रोड्यूस ए. ठीक है, अ के साथ उ, इट विल प्रोड्यूस ओ. ये हमारे हैं महा प्लस ईश हो गया, महा प्लस उदय हो गया, महा प्लस ईश महेश, महा प्लस उदय महोदय. यानी दीज आर द आंसर्स, छोटी ए और छोटा ओ, महेश महोदय. ठीक है, ये हो गई गुण संधि, दिस वॉज गुण. एंड नेक्स्ट इज वृद्धि. स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे. अब इसी गुण में वृद्धि होने वाली है, यानी जो ए बना था
जो ओ बना था उसी में वृद्धि होने वाली है. वी विल प्रोड्यूस एंड औ. ठीक है, ए और औ कैसे मिलेगा? पहले अक्षर में अ ही हो, दूसरे अक्षर में ए हो तो बनेगा ए. फॉर एग्जाम्पल, सदा प्लस ए, अ और ए, अ और ए मिलके बना सदैव. याद रखिएगा, ए छोटा हो या बड़ा हो, अ छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल बी बड़ी. जैसे मत प्लस एक्य, यानी यहां पे अब ए है, छोटी ये नहीं है, बड़ा, यहां पे छोटी थी यहां बड़ी हो गई. मत प्लस एक्य, दिस विल बी मतैक्य. ठीक है, क्लियर बच्चे? ओके, यानी उसी गुण में वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि. इसी तरह ओ छोटा हो या बड़ा हो, एग्जाम्पल दंत प्लस ओष्ठ, क्या बना? दंतोष्ट, छोटा ओ. अब बड़े ओ की एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दंत प्लस औषध. दंतोष्ध, ठीक बेटे, बात समझ में आ गई? यानी क्या किया था? दीर्घ संधि, सेम अक्षर मिलना है, अ अ. ओके, गुण में उसमें थोड़ी सी सॉरी, अ के साथ ई, अ के साथ ओ. वृद्धि में अ के साथ ए, अ के साथ ओ. अन्वय कुछ पूछना है आपको? प्रबल और अन्वय का हाथ खड़ा है. यस अन्वय. और गुड मॉर्निंग मैम. मैम ये कैसे पता चलेगा कब छोटा ए डालना है और कब ए डालना है? क्या बेटे, रिपीट योर मैम क्वेश्चन. कब पता चलेगा ए आना है या कब पता ए आना है? चलेगा? जैसे हाँ, कब पता चलेगा? ओके ओके ओके, बताती हूँ मैं आपको. प्रबल, आपको कुछ पूछना है बच्चे? मैम सिलेबस में मैम यन संधि भी दी हुई है. मैम यन संधि भी मैंने मैंने बस मिस आपको कर मालूम है, ली. आपको वो छुड़वा दी थी बच्चे. ओके हाँ ठीक है, तो म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया है. अनवे ने जो क्वेश्चन पूछा है कि मैम ये कैसे पता चलेगा कब छोटा ए आना है, कब बड़ा ए आना है? रूल्स में नहीं, आप पूछ रहे हैं मुझे अलग करते हुए कैसे पता चलेगा कि छोटा ए आना है या बड़ा ए आना है, जहां तक मुझे समझ आई. देखिए, जो आपका क्वेश्चन मुझे समझ आया, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करती हूं. देखिए, सपोज संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है. हम ले रहे हैं वर्ड महेश्वर. अब आपको विग्रह करना है, ठीक है? विग्रह के लिए दिमाग में तो हमें वो ही रखना है जो मैंने अभी बताया. ये टेबल तो यही रखना है दिमाग में, ये. अब क्या हुआ बच्चे, देखिए यहां छोटी ये बनी हुई है, यानी रिजल्ट ये बना हुआ है. तो इसका बैक गियर मारिए, क्या है इसमें? ई और अ. ठीक है, तो इसमें एक अ होना चाहिए, एक अ होना चाहिए और एक ई होनी चाहिए. पीछे वाला अक्षर ये है यहां, यानी यहां पे अ और यहां पे ई आनी है. अब इन अक्षरों को कंप्लीट कीजिए. महा कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड हमेशा होता है महा, यानी हमें पता चल गया यहाँ आ आना है. हिम की तरह इसे नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे आ डालना होगा. अब अगला अक्षर ई से हमें पता है ईश्वर किससे लिखते हैं, छोटे से या बड़े से? ठीक है, तो हमें पता है बड़ी ई से आता है ईश्वर हमेशा, यानी ये चीजें अंडरस्टूड हैं. अभी मैं दोबारा उठा रही हूं, छोटी ए या बड़ी ए वाला आपने कहा. देखिए, मेरा वर्ड है एक कैक. ये देखिए,
अब ये मैंने वर्ड उठाया, इसका विग्रह करना है। मैंने देखा ए बना हुआ है तो मैं ए से चलूंगी, यहां से ये पकड़ूंगी तो ये ट्रैक बना मेरा ये वाला। देखिए ये बना हुआ है तो ये मेरा ट्रैक ये वाला है, ये मतलब ए और अ है इसमें, ठीक है, ए और अ है, यानी मैं ए ए क अ आ गया प्लस आगे भी ए है फिर क है। अब मुझे देखना है एक एक होता है या एक का होता है, देखना है मुझे। अब यहां पे एक ऐसे ही होता है या ऐसे होता है, सोचिए, ठीक है। मैंने तो कभी एक का शब्द सुना नहीं, नहीं ये गलत हो गया, यानी दिस इज राइट। अब एक होता है या एक होता है, एक होता है, छोटी ए आनी है, मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहां पे आ गया एक प्लस एक एक, एक। समझ में आई अन्वय, समझ पाए बच्चे? अन्वय आप ही से पूछती हूँ, अन्वय बेटे क्लियर कर पाई मैं अपने आप को? यस मैम। हाँ ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर ऑन वोकैबुलरी। जैसे मैंने अभी दो वर्ड दिए थे आपको, अभी मैं और कोशिश करती हूँ इसको, क्योंकि विग्रह हमने बहुत कम किया है तो विग्रह को लेकर चलते हैं। मैंने अभी दिया था आपको दंतौष्ट और दंतौषध, ये देखिए दोनों वर्ड देखने में बिल्कुल सेम है, दंतो दंतो सेम है, पीछे थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब ओ बना हुआ है मींस हमें कौन सा ट्रैक उठाना है, ये वाला, ये एक ओ होगा इसमें और एक इसमें होगा अ, ठीक है। पहले अक्षर में अ होगा, दूसरे में ओ होगा, ओके। पहले अक्षर में अ हमने ये ले लिया, दूसरे में ओ हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है दंता होता है, नो दंता नहीं होता, दंत ही रहने दो इसको, छोटा अ ही रहने दीजिए। अब औषध जब आप लिखते हैं, छोटा ओ होता है या बड़ा होता है? नहीं भाई, औषध होता है, औषध नहीं होता। स्पेलिंग वोकैबुलरी आपकी अपनी काम आनी है यहाँ पे, और डरने की जरूरत नहीं है। वेरी फ्यू वर्ड्स आर देयर, वेरी वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्द होते हैं। अगर मैं लिखवाने लगू ना तो ई की, ई के जो संधि में वर्ड यूज होते हैं, जैसे सिर्फ ई पकड़ रही हूं मैं, ई के जो संधि में शब्द यूज होते हैं, ईश, ईश्वर, इंद्र, और ई से मुझे नहीं लगता और कोई यूज होता है, ओनली थ्री वर्ड्स आर देयर, ठीक है। ए से जो यूज होते हैं, एक, एव, एक्य, ऐश्वर्य, बस स्पेलिंग्स ही तीन तीन चार चार होते हैं, बस ज्यादा स्पेलिंग्स नहीं होते, तो इतना तो हम लर्न कर सकते हैं। ऊ से उठाते हैं, उत्सव, ऊर्मी, ऊ से उत्सव, ऊर्मी, उदय, मुझे नहीं लगता कोई एक आधा वर्ड और होगा। यानी घबराने की आवश्यकता नहीं, होते ही तीन तीन चार चार वर्ड्स हैं, ठीक है। क्लियर हुई? जैसे अब ओ से उठाया, होते ही थोड़े से वर्ड हैं, औष्ठ, औषध, औदार्य, बस मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है कोई एक आधा वर्ड और होगा, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं अन्वय, क्लियर हुआ? ए आना है या ए आना है, थोड़ा बहुत अपनी वोकैबुलरी पे और थोड़ा बहुत आपकी पढ़ी हुई बुक्स के हिसाब से, तीन तीन चार चार शब्द ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा बहुत वास्ट चले जाओगे, पांच हो जाएंगे, छह वर्ड्स हो जाएंगे, बस, ठीक है, ज्यादा शब्द नहीं होते। ओके,
दिस वॉज ऑल अबाउट संधि, हमने संधि विग्रह भी कर लिया और संधि करना भी सीख लिया। दो तरह से आता है, संधि करें या संधि विच्छेद करें, दो तरह से क्वेश्चन आता है इसका। पहला क्वेश्चन है संधि करें और दूसरा क्वेश्चन है संधि विच्छेद करें। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में संधि करें आएगा, मतलब हमें दिया होगा दंत प्लस औषध, ये आपको संधि करना होगा। और संधि विच्छेद करें में क्या आएगा, आपको दे दिया दंतोष्ठ, संधि विच्छेद कर दो, इसको तोड़ दो, विच्छेद कर दो, अलग कर दो और संधि करो, संधि कर दो। ठीक है बच्चे, अवनी ने हाथ खड़ा किया, अवनी हाँ बोलिए बच्चे, अवनी कुछ पूछना है बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे। मैम मैंने पूछना था कि अगर वर्ड आए सूक्ति तो उसका कैसे करेंगे विच्छेद। सूक्ति का वर्ड आए, हाँ हाँ, मतलब ऊ में एक और वर्ड शामिल हो गया ना, वर्ड है सूक्ति। अब ये देखिए पहले अक्षर में सु, अब सु छोटा होता है या बड़ा ये आप देखेंगे, और ये बड़ा ऊ है ना, दोनों में ऊ होना चाहिए ना, उक्ति, ये लो ये मैंने लिख दिए दोनों। अब आपको देखना है सु में छोटा ऊ आता है या बड़ा ऊ, मैंने तो कभी नहीं सु में देखा बड़ा ऊ, सु छोटे से होता है तकरीबन। ठीक है, सु मीन्स पॉजिटिव, सुगंध है, सुनीता वर्ड है, सुनीति वर्ड है, और कहेंगे हम सु से सुपुत्र है। ठीक है, छोटे ऊ से होता है। अब उक्ति वर्ड होता है या उक्ति होता है, ये संस्कृत वर्ड है बेटा, इतना तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। उक्ति शब्द होता है लोकोक्ति में, उक्ति शब्द होता है, ऊ से एक वर्ड और एड हो गया उक्ति। ठीक है, क्लियर, तो आपकी स्पेलिंग्स देखना होगा। हाँ, स्पेलिंग्स देखना होगा वहां पर। एंड स्टिक टू योर लिमिटेशन, लिमिटेड सॉरी लिमिटेड वर्ड्स, स्टिक टू योर लिमिटेड वर्ड्स ऑफ योर बुक, क्योंकि हम संस्कृत नहीं सीखते, हम हिंदी सीख रहे हैं। ठीक है, हमारी बी कोर्स है तो हमें बहुत ज्यादा वास्ट में नहीं जाना, हमें उतना ही करना है जितना हम हजम कर सकें। ओके डन, नाउ शुड आई मूव टू द समास, बहुत फास्ट तो नहीं हो जाएगा ना, करवा दूं ना समास बच्चे। ठीक है, मूविंग टू द समास, ओके अब हम कर रहे हैं बेटा समास। ठीक है, अब समास भी दो शब्द हैं, हमेशा समास में भी दो शब्द होते हैं, जैसे मैं लेती हूं राज और कन्या, मैं ले लेती हूं हिमालय, दो शब्द होते हैं। हिमालय हमें संधि के हिसाब से पता है, हिम और आलय है इसमें। ठीक है, हिम और आलय है इसमें, दो शब्द हैं हिम और आलय, संधि के रूल्स के हिसाब से हमें पता है। इस संधि में होता है वर्णों का मेल, समास में होता है शब्दों का मेल। ठीक है, शब्दों का मेल, राज और कन्या, राजा और कन्या को मिला दिया, हिम और आलय को मिला दिया, बेशक संधि हो गई पर समास दो शब्दों का भी। इसे जब अलग करेंगे ना तो इसमें लगेगा हिम का आलय, हिम का आलय, बर्फ का घर है जो। तो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज जो मैंने समास करवाया हुआ है, क्योंकि आज तो रिवाइज कर रहे हैं हम, हिम का आलय कौन सा समास हुआ, ये तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि बीच में का आ गया, कारक का चिन्ह आ गया, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। जो हमने किया हुआ है हमारा रिकॉल करके, ठीक है, राजकन्या भी तत्पुरुष समास है, राजा की कन्या ये भी तत्पुरुष समास है। चलिए छोड़िए, समास क्या हुआ, दो शब्दों का मेल करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, संस्कृत शब्द ही होते हैं, संस्कृत में ही समास होता है बच्चे। ठीक है, इसमें दो पद होते हैं,
नंबर वन एंड नंबर टू, इसको कहते हैं हम पूर्व पद, पहला हिस्सा, और इसको कहते हैं हम उत्तर पद, पहला और पिछला। दो ही शब्द होंगे इसमें तभी समास होगा, दो शब्दों का होना जरूरी है, ठीक है। दो शब्द नहीं होंगे, सिंगल वर्ड होगा तो समास नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप, अविकारी में समास होगा? यस और नो, जितने विजिबल है मुझे उनमें से बताइए, सिर हिलाके, समास होगा या नहीं होगा? अविकारी में समास होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसमें भी दो शब्द हैं, और विकारी। अ उपसर्ग है और विकारी एक शब्द है, ठीक है, तो होगा। लेकिन अगर मैं लू, अधिक लू वर्ड, इसमें समास होगा? अब इसमें और अधिक कर सकते हो? नो, ये सिंगल वर्ड है, ठीक है। इसमें उपसर्ग था और पीछे पूर्व पद उत्तर पद है, ये सिंगल वर्ड है, इसमें समास नहीं है, ये सिंगल वर्ड है। इसमें अ और धिक को अलग नहीं कर सकते कि धिक का मतलब कुछ नहीं होता। ये है अ और विकारी। विकारी मीन्स जिसमें चेंज आ जाए, विकार आ जाए। अ मीन्स नहीं, जिसमें विकार ना आए, इसलिए इसमें समास होगा ना विकारी, ठीक है। अधिक में समास नहीं होगा। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, दो पद होते हैं हमेशा। अब समास के भेद कितने हैं? मैंने आपको छह भेद करवाए हैं, होते ही छह हैं, लेकिन दो दो हिस्सों में करवाए हैं मैंने आपको तोड़ तोड़ के। पहले मैंने करवाया था द्वंद्व और द्विगु, ठीक है। फिर मैंने करवाया आपको कर्मधारय और बहुव्रीही, देन तत्पुरुष और अव्ययी। ये समास है हमारे, ठीक है। दो 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 पेयर बना के करवाए थे मैंने। अब द्वंद्व में क्या है? द्वंद्व ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। इसके आगे मैंने ऑपोजिट वर्ड्स भी करवाया था आपको, उल्टे शब्द, जैसे पाप पुण्य दही वड़ा, हाइफन होता है इसमें, इसमें हाइफन होता है और यहां लगता है शब्द, ठीक है। योजक वर्ड लगता है, सॉरी ज्वाइनिंग वर्ड लगता है, इसमें योजक चिन्ह होता है बीच में, जैसे माता पिता, धूप छांव, ठीक है। दो ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। द्विगु मतलब काउंटिंग, इसमें होता ही काउंटिंग है, काउंट होता है इसमें, जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह, इसमें समूह होता है, कलेक्शन होती है, तीन फलों का समूह, त्रिफला, ओके। ऐसे ही हम लेंगे इसमें सप्त ऋषि, वैसे सप्त ऋषि ऐसे होता है, सप्त और ऋषि की संधि हो गई, सात ऋषियों का समूह सप्त ऋषि, ठीक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, इसमें समूह होता है। अब है कर्मधारय समास, इसमें एक विशेषण, एक विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, एक विशेषण एक विशेष्य कर्मधारय समास में। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जो, ठीक है। इसका एंड तकरीबन, इसका अंत तकरीबन बेटे जो से होगा, महान आत्मा है जो, इसका अंत जो से होगा, महान आत्मा है जो। बहुव्रीहि में क्या होगा? वही महात्मा मैंने बहुव्रीहि में लिया, लेकिन यहां पे एंड में होगा जिसकी, महान आत्मा है जिसकी,
जैसे मैंने लिखा महान आत्मा है जो, महान आत्मा है जिसकी, अब देखो जब हम महान आत्मा है जो कह रहे हैं मीन्स हम आत्मा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, महान आत्मा है जो, ये है महान आत्मा है जिसकी, कौन है भाई, किसकी आत्मा महान है, तो इसमें हमें जिसकी का जवाब देना होगा और ब्रैकेट में हम देखेंगे व्यक्ति विशेष है भाई ये किसी खास व्यक्ति का नाम है जिसकी भी महात्मा थोड़ी सी सोल प्योर होती है हम उसे महात्मा कह देते हैं, ठीक है। विग्रह पे डिपेंड करेगा इसे आप बहुव्रीहि में ले जाते हैं या कर्मधारय में ले जाते हैं। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, पीताम्बर। अब इसका विग्रह कर दें, अगर पीला अंबर है जो तो विशेषण विशेष्य में, पीला अंबर है जिसका, कौन भाई, श्री कृष्ण, तो ये जाएगा किसमें, बहुव्रीहि में। पीला अंबर है जो कर्मधारय में, पीला अंबर है जिसका, श्री कृष्ण लिख देंगे तो यही बहुव्रीहि में चला जाएगा। यानी इसमें बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही व्यक्ति प्रधान होता है, ना पहला अक्षर ना दूसरा अक्षर, ना पीत इंपॉर्टेंट ना अंबर इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण इंपॉर्टेंट, ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान, ठीक है। और कर्मधारय में एक विशेषण होता है एक विशेष्य होता है, पहला पद विशेषण होता है दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे पीत और अंबर, पीत मीन्स पीला, ये विशेषण हो गया, अंबर विशेष्य, ठीक है जी। बहुव्रीहि समास भी आपका हो गया। नाउ मूविंग टू तत्पुरुष समास, जिसमें तत्पुरुष समास में बच्चे हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, सेकंड पद। जैसे राजकन्या की जब हमने बात की थी बेटे, तो हम बात राजकन्या की जब कर रहे हैं, माना वो राजा की कन्या है, संतान है, पर बात तो कन्या की कर रहे हैं ना, राजकन्या, राजा उसकी विशेषता है कि वो राजा की बेटी है, लेकिन बात तो हम बेटी की कर रहे हैं ना, इसमें हमेशा सेकंड पद उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे जेब खर्च, अब ठीक है जेब में पैसे रखे हैं पर इंपॉर्टेंस तो इस खर्च की है ना, मुझे खर्च जो मिला जेब के लिए खर्च, इंपॉर्टेंस तो इसकी है ना खर्च की, जेब की इंपॉर्टेंस थोड़ा, मेरे पास जेब यहां है पेंट में है जहां मर्जी है, इंपॉर्टेंस तो खर्च की है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है बच्चे, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कमिंग टू अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा वाले सारे, जब मैंने कॉपियां चेक की ना बेटा, यथा के स्पेलिंग भी आप लोगों ने ठीक नहीं लिखे हुए, यथा वाले सारे, यथोचित, यथो न्याय, यथो यथामति के, यथा वाले सारे, भर वाले सारे, बे वाले सारे, आ वाले सारे, अ वाले नहीं, अ वाले नहीं, आ वाले, और नेगेटिव हो जाता है, आ वाले सारे, और रिपीटेड वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स बेटा, जैसे दिनों दिन, रातों रात, नगर नगर, शहर शहर, ठीक है, ये वर्ड्स, ये समास थे। अब हम क्या करेंगे बेटे कि समास का क्वेश्चन कैसे आना है, संधि की तरह समास का क्वेश्चन भी उसी तरह आना है। बेल हैज गॉन, वी आर सपोज टू लीव द मीटिंग, चलिए नेक्स्ट में करेंगे फिर दोबारा।